सतसकाल, मैं हूँ मुबीना महक और आप बेखौफ बदमाशों और दबंगों के द्वारा महिला के साथ हाथापाई कर महिला का घर किया क्षतिग्रस्त। पीड़ित महिलाओं के आवेदन के बाद भी शासन प्रशासन मौन। कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड क्षेत्र के सकरैली पंचायत की वार्ड संख्या 1 मखना धार निवासी मुन्नी देवी और संजू देवी का घर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है, जहाँ वो लोग विगत कई वर्षों से रह रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके घर पर राजू शाह लगभग 2 दर्जन बाहरी बदमाशों के साथ आकर पहले तो महिलाओं के साथ हाथापाई किया और फिर घर में रखा सामान को तोड़फोड़ कर घर को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा घर के अंदर से ताला भी लगा दिया है। आपको बता दें कि घर में केवल 2 महिलाएं व 1 10 वर्ष का बच्चा था। महिलाएं बहुत ही निर्धन है। पीड़ित दोनों महिलाओं ने बताया कि राजू शाह फर्जी तरीके से जमीन का कागज बनवाकर जमीन पर अपना हक जताता था और धमकी भी देता था, जिसको लेकर सेमापुर ओपी थाना में पीड़ित महिलाओं के द्वारा आवेदन दिया गया था, किंतु सेमापुर ओपी पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। हार मानकर पीड़ित महिलाओं ने जिला प्रशासन को रजिस्ट्री के माध्यम से भी आवेदन दिया, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं अब राजू शाह के द्वारा लगातार महिलाओं को धमकी दी जाती रही है, जिसकी सूचना पीड़ित महिलाओं ने सेमापुर ओपी थाना को देती रही हैं, किंतु सेमापुर ओपी पुलिस का उदासीन रवैया रहा, जिसके बाद सोमवार को राजू शाह के द्वारा बुलाए गए बदमाशों ने मेरे घर का सारा सामान तोड़फोड़ कर घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पीड़ित मुन्नी देवी का कहना है कि मेरे पंचायत के मुखिया कभी मिली भगत है, मैंने कई बार उनसे इस बाबत गुहार लगा चुकी हूं, पर स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। सेमापुर ओपी पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कौन तोड़ा आपका घर? आप आवेदन दिए थे थाना में? हाँ सर, दोबारा आवेदन दे, नहीं सुनता है, आवेदन फेंक देता, बोलता हम लोग फेंक देते हैं, आवेदन नहीं सुनेंगे। हमारा सास लोग भगा दिया, अभी हम गए थे दोनों बहने सास। कितने लोग थे जो घर तोड़े? कोई 60-70 आदमी था सर, मधुबनी से आया था, सबको पिला खिला के दारू पिला के आया था सब तो रहा है सर। तोरा बात हमारा की करी दल करो भैया, तोरा बात हमारा दम के अखनी का जन की तोड़बे कर बोलो।